जितना एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा उतना ही ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ेगी, तो वहां प्रोड्यूस होगा, तो वहां इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां पंपसेट की डिमांड होगी, जेनसेट की डिमांड होगी, सब डिमांड एग्रीकल्चर में यूज होता है। इसलिए एग्रीकल्चर को मूविंग फोर्स कहा जाता है। दिमाग में रखिए कि एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई हमारा पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है, सबसे पहला एग्रीकल्चर ही। अब इसमें क्या क्या दिया गया, अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा मेरा। इसमें क्या क्या दिया गया, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। रेजिलियंस मतलब लचीलापन, बहुत फ्लेक्सिबल, अनुकूलनशीलता हिंदी कहते हैं इसको, हिंदी में भी है डॉक्यूमेंट। सो पहला किया गया कि प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, देयर टू वर्ड्स देयर, टू टर्म इज देयर, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन उत्पादकता। एनीवन कैन टेल मी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी? जी किसी भी चीज का, किसी फैक्ट्री में कहीं पर जी उसका उत्पादन होना, मतलब प्रसन्न उत्पादन ही होता है, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन सिंपली कहते थे उत्पादन की दर को, जैसे एक एकड़ में एक खेत में 1 क्विंटल व्हीट होता है और दूसरे एकड़ में 1.5 kg व्हीट होता है, तो क्या कहेंगे कि सेकेंड खेत में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, है ना। यानी एक आदमी एक पावर पढ़ के 2 पेज याद करता है, एक आदमी एक पावर पढ़ के 3 पेज याद करता है, तो क्या कहेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बाद वाले की ज्यादा। सो प्रोडक्टिविटी, सो इस इकोनॉमी बजट में प्रोडक्टिविटी पर और रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस दिया गया। थोड़ा तो पतला कर दो इसको, है ना। और फॉर दिस थिंग फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडिया में हर जगह, चाहे मेडिसिन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हो, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम खर्चा करते हैं। हमारे यहाँ वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाई वैरायटी, हाई वैरायटी को लाना पड़ेगा आपको बहुत। हमारे यहाँ है एग्रीकल्चर पोशाक में है, बहुत सारे रिसर्च यूनिट्स हैं, बट गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च पे सेटअप किया जाएगा और ये जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट होंगे, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट के अनुसार चले, जलवायु के अनुरूप चले। बिकॉज आजकल एग्रीकल्चर के चलते भी हम इतना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स क्या हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है। आपने सुना होगा एनपीके लेवल, एनपीके लेवल जानते हैं ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरियस फॉस्फोरस पोटेशियम, ये जो है इसका रेशियो जो है 2:2:1 होना चाहिए या 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन ये बिगड़ जाता है 6.87 कुछ का हो जाता है। अब इसमें डिटेल में ही जाएंगे क्योंकि सब मैं एग्रीकल्चर में पढ़ाता हूँ MSP वगैरह में, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना है। मीन्स आई मीन टू से कि क्लाइमेट रेजिलियंट, यानी ऐसा रिसर्च करो कि अदर कंट्री में क्या, अब देखो इसमें एक जान लो, अभी दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, चाइना हो, US हो, जितने बड़े बड़े, पता है उन लोगों ने राइस का प्रोडक्शन रोक दिया या बहुत कम कर दिया। चाइना वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, स्टिल इट इज, अमेरिका वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट अमेरिका चाइल्ड राइस जो है इंपोर्ट कर रहा है। और पता है चाइना ने 3 लाख हेक्टेयर जमीन जो है अमेरिका में खरीद लिया राइस की फार्मिंग के लिए, 3 लाख हेक्टेयर जमीन राइस की फार्मिंग के लिए, राइस कोई नहीं कर रहा है, बिकॉज राइस की फार्मिंग जो है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। बिकॉज 1 square meter राइस की फार्मिंग में 1000 liter पानी लगता है। 1 square meter राइस के देते हो, खेती कैसी होती है ना, पहले प्लांटेशन करते हैं, फिर निकालते हैं उसको, बीज को खाते हैं, फिर जाके अभी देखोगे तो, देखियो ना कभी, पक्का ना, पैडी की फार्मिंग, हाँ कैसे होता है, तो बोया जा रोपा जाता है, रोपाई होती है उसकी, वीविंग कह सकते हैं उसको, है ना। तो राइस में 1 kilo राइस को प्रोड्यूस करने में 1500 liter वाटर लग रहा है, और राइस बनाने में वाटर लगता है। इसलिए क्या हुआ कि राइस की प्रोडक्शन हर कंट्री में, इंडिया का छोड़कर बाकी सारी कंट्रियां राइस प्रोड्यूस कम कर रही है। चाइना ने जमीन खरीदी है 3 लाख हेक्टेयर जमीन, अभी आर्टिकल आया था हिंदू वगैरह में 1-2 महीने पहले। अब चाइना में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है अमेरिका में कि हम चाइना को जमीन नहीं बेचेंगे, फार्मिंग कर रहा है वहां पर। सो दिस काइंड इट मींस एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, उसके लिए रिसर्च करने नीड है, और तभी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है
वी आर गोइंग टू, अब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या जाएगा पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। सेकंड क्या कहा गया है, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, जहां जहां इंपॉर्टेंट नहीं लिखा गया वहां सिर्फ मैं बोल दूंगा, जहां इस बीच में पॉइंट है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, कोऑपरेटिव सेक्टर, सुना होगा नाम कोई कोऑपरेटिव सेक्टर का। लुक, फार्मर आर नॉट इन कंडीशन टू डू द थिंग्स अलोन, इसलिए इंडिया में एक सिस्टम बना गया कोऑपरेटिव फार्मिंग। लैंड रिफॉर्म के टॉपिक दिए गए ना, सेवन टॉपिक बता भी रहा हूँ कहाँ कहाँ सब टॉपिक जुड़ेगा, क्योंकि यही मेरी लिमिटेशन है कि मैं सारी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, बिकॉज टाइम के बाउंडेशन भी होते हैं। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, लैंड रिफॉर्म जो टॉपिक है, सेवन टॉपिक यूपीएससी मेंस का, उसमें लैंड रिफॉर्म है, और लैंड रिफॉर्म में कोऑपरेटिव फार्मिंग भी पढ़ना है, नहीं पढ़ाएगा तो खुद पढ़ लेना या पढ़ोगे आगे कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्यों है, क्या है कि फार्मर एक साथ मिल करके अपने रिसोर्सेज का यूज करके अपने लैंड को एक साथ कन्वर्ट करके और फार्मिंग करता है, बिकॉज फार्मर के पास पैसे नहीं होते अकेले करने के लिए, और जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। आपने सुना होगा अमूल कोऑपरेटिव, आपने सुना होगा लिज्जत पापड़, आपके बगल स्टेट में सुधा है, मध्य प्रदेश में सांची है, ये सब क्या कोऑपरेटिव है, जहां पे फार्मर अपना ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप बना करके अपने रिसोर्सेज को मिलाते हैं और उसे बेचते हैं, कमाते हैं, दे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो गवर्नमेंट सेइंग कि हमें नेशनल लेवल पे कोऑपरेशन पॉलिसी बनाना है जिससे कि फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन हो जाए। अब जब मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम, व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स, ये पॉइंट सब आएगा आपका। अलग से भी पॉइंट आ सकते हैं लैंड रिफॉर्म में, और यहाँ पर भी पॉइंट आ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि 25 के मेंस में आए, 26 के मेंस में भी आ जाएगा। सो इट इज हेल्पफुल फॉर द, आपके दिमाग में रहेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। तो मैंने पहले कह दिया है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फार्मर को उनके प्रोड्यूस का रीजनेबल और एक्चुअल प्राइस जो है दिया जाए, ठीक है। तीसरा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, मतलब एडेबल ऑयल, हम दोनों ऑयल के, क्रूड ऑयल के भी बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, और अब पाम ऑयल, डेटाइल, सब चीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हो। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मस्टर्ड का, ग्राउंडनट का, इस बार इस पर क्वेश्चन आया था पिछली बार 23 में क्वेश्चन आया था, सिसमम पर नहीं, नाइजर सीड पे आया था, सोयाबीन, सनफ्लावर, इस सब पे, इसको छोड़ करके इस सब पे एमएसपी है, सोयाबीन पे एमएसपी नहीं है। अब देखो दो दो बार क्वेश्चन पूछा एमएसपी से, अब जब सेल्फ पढ़ोगे ना, ध्यान लगाओ कि अच्छा इस पे दिमाग वहीं तो डीपली जाना है आपको कि इस पे एमएसपी है कि नहीं है, इस पे एमएसपी होता है। अब दिमाग में लगाओगे तो इस पे सोयाबीन पे एमएसपी नहीं, मस्टर्ड पे है, ग्राउंडनट पे है, सिसम में तिल होता है, तिल कहते हैं इसको हिंदी में भी आप लोग पर, और सनफ्लावर होता है सूरजमुखी के बीज, ये सब क्या है, ऑयल के सोर्स है। तो इसके हम लोग गवर्नमेंट चाह रही आत्मनिर्भर बने, बिकॉज अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी टू द फॉरेन, सो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट चाह रही है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करे। नेक्स्ट इज द वेजिटेबल प्रोडक्शन, ये एक नया कंसेप्ट आया एफपीओ, अभी समझाता हूं इसके बारे में। वेजिटेबल प्रोडक्शन सप्लाई चेन, आप जब, चूंकि मेंस में पढ़ाया नहीं हूं आप लोगों को, आप लोग जानते नहीं है इसमें, जब जानेंगे तो समझ ज्यादा आता है। कैन यू बिलीव इंडिया में 1 लाख करोड़ के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हर साल बर्बाद हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर सप्लाई चेन, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। अपने देश में जितने कोल्ड स्टोरेज हैं उसमें सिर्फ 90% पोटैटो को रख सकते हैं, बाकी छोड़ दो, टोमेटो, अनियन, एप्पल, गुआवा छोड़ दो, सिर्फ पोटैटो को रखने के लिए हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो भी पूरा नहीं पड़ पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है, और इसके चलते क्या बर्बादी होता है तो फार्मर को प्राइसेस नहीं मिल पाते हैं, फार्मर को रेट्स नहीं मिल पाता, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ता है, दोनों प्रॉब्लम होता है, फार्मर को पैसा नहीं मिल रहा है और कंज्यूमर ज्यादा पे करना हो रहा है, इससे सब कंसर्न इंडिया में, और प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, पोटैटो सड़ा हुआ, वेजिटेबल सड़े हुए,
एप्पल्स जो भी फ्रूट्स है सड़े हुए, इसके लिए गवर्नमेंट ने अराउंड 2000 के आसपास में क्या किया, गवर्नमेंट 2000 के आसपास में, इस पे पैसा मिटाना होगा ना, मिट गया सॉरी, एफपीओ की कंसेप्ट लाया था, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 2020 में आया था, 2020 में कंसेप्ट आया था, इसी गवर्नमेंट लाया था 2020, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीगल है ये। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एफपीओ, तो एफपीओ क्या लीगल है, ये फार्मर को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाना होता है, एक संस्था बनानी होती है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वैसे यहां पर भी होता है, कि जैसे मिल्क प्रोड्यूसर है, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर है, जैसे मीट प्रोड्यूसर है, एग प्रोड्यूसर है, ये सब लोग क्या कर, वीवर्स हैं, रूरल आर्टिसंस हैं, बुनकर वगैरह हैं, ये सब लोगों का एक लीगल एंटिटी बनती है, संगठन बनता है, और उसके थ्रू क्या करते हैं लोग, उसके थ्रू क्या करते हैं लोग, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे मान लो कि कोई हिंदुस्तान लीवर है, मान लो अंकल चिप्स की कंपनी है, मान लो नेस्ले है, उसको खरीदना होगा, अब फार्मर के पास एक एक करके नहीं जाएगा, उस सीधे एफपीओ के पास आएगा, और एफपीओ से पैसे की बात करेगा, रेट की बात करेगा, एफपीओ में लोग थोड़ा समझदार होते हैं, सो दे विल नेगोशिएट विद द बायर, दे विल नेगोशिएट विद द कंपनी, एंड दे विल अर्न द मोर प्रॉफिट, मोर इनकम, एंड द सारिस फार्मर में बढ़ जाएगा, जो भी उस मेंबर होंगे उसको मिल जाएगा। तो एफपीओ पर अब एफपीओ पे तो आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आपको क्या होता है, बजट जब अगली बार पढ़े, कभी पढ़े, तो ये टर्म होते हैं, टर्म के बारे में कब एस्टेब्लिश किया गया, किस टाइप की एंटिटी है, इसका क्या मोटो है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब को जानना होगा। एंड इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, एंड यू हैव टू नॉलेज। ओके, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन क्या होता है, इंडिया में बड़ा पुअर सप्लाई चेन, सप्लाई चेन क्या होता है, आपूर्ति श्रृंखला हिंदी में कहते हैं इसको, जो चीजें मेंस में मेंशन है ना उसको थोड़ा सा मैं समझा भी करूंगा। देयर आर टू वर्ड, वन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अदर इज कॉल्ड सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग को कैसे डिफाइन करूंगा, मार्केटिंग क्या होता है, जो हम लोग करने जाते हैं न्यूक्लियस मॉल में वो होता है, एक ही मॉल का नाम जानता हूं मैं यहाँ पर, मार्केटिंग में सेल करने जाते हैं, मतलब हम तो गांव में सुनते हैं कई बार जाते हैं, जा रहे हैं मार्केटिंग करने, शॉपिंग मॉल, तो भाई मॉडर्न जमाने के है ना, आप तो शॉपिंग बोलेंगे, करते भी होंगे, कराते भी होंगे, या कराएंगे भविष्य में, होता है इसलिए ज्यादा पता है। मार्केटिंग क्या होता है, हाँ आज पूरा आपने बीड़ा उठाया है क्लास का, गुड वेरी गुड, आज तो 50% लोग नहीं आए, बहुत लोग ऑनलाइन हो जाएंगे, बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले सब आए ही नहीं आज, है ना, उनको अच्छा हाँ दो चार लोग आए दिख रहा है मुझे, नहीं अच्छा थोड़ा कल बहुत सफोकेशन हो गया था, कल और आधे कम हो जाएंगे, परसों तक 10-5 बचेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात, बहुत लोग भेड़ नीड भी नहीं है ना, तो बहुत जोश आ गया होगा, कल आ गया भेड़ पढ़ते हैं वजन पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आया होगा, चलिए हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए, नहीं वो मार्केट होता है, हम मार्केटिंग पूछ रहे हैं, उसको आप चेंज कर दीजिए कि मार्केटिंग प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मार्केट तो सारे प्लेसेस, इस बोर्ड का मार्केट पूरा वर्ल्ड है, हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ये मार्केट है वो मार्केट है, यहाँ कौन मार्केट होगा ना, एक बड़ा बाजार है ना यहाँ पर, हाँ वो मैं जानता हूँ, क्या अपन बाजार, अपर बाजार, अच्छा बड़ा, तो क्या होता है कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज द होल प्रोसेस, एक लाइन में जान लो, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर,
उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे मार्केटिंग होते हैं, और ये आपके सिलेबस में दिया गया है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग सिर्फ वो नहीं जाए खरीद लेना, बाइंग सेलिंग, सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं, मार्केटिंग इज द इंक्लूड्स ऑल प्रोसेस जिसके की प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक गुड्स जो पहुंचता है, यानी पोटैटो जो है हम तक जो पहुंचा वो कैसे पहुंचा, फार्मर ने स्टोर किया, फार्मर ने सेल किया, फिर मिडिलमैन ने हमारे पास बाजार में लाया, हम जाके परचेज किए, उसके लिए एडवर्टीजमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, ऑल प्रोसेस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड द मार्केटिंग, इज कॉल्ड द, और प्लेस जो होता है मार्केट होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी यूपीएससी में दिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपीएमसी, इसके लिए बनाया गया था एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मार्केट कमेटी, इसमें बार बार प्रीलिम्स मेंस में सारे क्वेश्चन पूछते हैं एपीएमसी, यही सब पढ़ो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एपीएमसी अब क्या है, सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन के बारे में कहा जाता है फ्रॉम फार्म टू फोर्क, खेत से लेकर प्लेट तक, कांटा तक, फोर्क मतलब कांटा, खाते हैं। सप्लाई चेन इज द बिगर टर्म देन द मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या बोला मैंने, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, यानी किसान से लेकर ग्राहक तक, उपभोक्ता तक, लेकिन ये क्या होगा फार्म टू फोर्क। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी के मेंस में दिया गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी खेत में आलू निकालने से लेकर के आलू को धोना, आलू को सुखाना, आलू को पैकिंग करना, आलू को ट्रक में लोड करना, आलू को स्टोरिंग पहुंचाना, स्टोरिंग से फिर हम तक पहुंचाना, फार्म टू फोक, खेत से प्लेट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिगर टर्म देन द मार्केटिंग। इसमें दो होते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो मार्केटिंग और सप्लाई चेन, और एक होता है कोल्ड सप्लाई चेन। इंडिया में कोल्ड सप्लाई चेन का लैकिंग है, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फूड क्या होते हैं जो कि सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब जैसे एप्पल वगैरह लेकर के, तो जो रेफ्रिजरेटर वैन होते हैं उस वैन में लोड करना, फिर कोल्ड स्टोर में रखना, फिर वहां से वैन के थ्रू ही मंडी पहुंचना, और मंडी में भी वो रेफ्रिजरेशन में रहना, और तब हमें मिलना। आपने देखो तो ऊपर ग्रीन दिखता है वेजिटेबल, काटो तो पीला होता है, सड़ा होता है, वाई, बिकॉज वी डोंट हैव द कोल्ड सप्लाई चेन, वी डोंट हैव द प्रॉपर स्टोरिंग फैसिलिटीज, वी डोंट हैव द प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, बहुत कम कोल्ड स्टोरेज अपने कंट्री में। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सप्लाई चेन पे भी काम करेंगे और सप्लाई चेन को बेटर करेंगे, कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। अब ये सब चीजों को, ये सारे आपके मेल्स के टॉपिक हैं, कि ये सारे आपके पार्ट होते हैं मार्केटिंग के, ये सारे पार्ट होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो आपको जब भी एग्जाम दो तो यू हैव टू नो द सप्लाई चेन क्या होता है, यू हैव टू नो द मार्केटिंग क्या होता है, पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज, इंडिया में वैरायटीज की कमी है थोड़ी सी, तो कई सारे 109 ये फैक्ट है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, और 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप टू बी रिलीज फॉर कल्टीवेशन बाय द फार्मर्स। ये गवर्नमेंट का टारगेट है, कितने हम नए क्रॉप्स और इतने नए हॉर्टिकल्चर के जो चीजें हैं और फार्मिंग का फील्ड वगैरह है, ये सब क्रिएट करेंगे किसके लिए, एग्रीकल्चर को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, और ज्यादा ग्रो करने के लिए। इसके बाद क्या किया गया है, नेचुरल फार्मिंग। व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, जो बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के किया जाए, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यही है ना नेचुरल फार्मिंग, है ना, केमिकल फ्री, लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग, क्या बोला मैंने, रसायन मुक्त और पशुधन पर आधारित, लाइव स्टॉक भी टॉपिक दिया गया मेंस में आपके, क्या बोला मैंने, रसायन मुक्त पशुधन पर आधारित कृषि कह सकते हैं इसको, केमिकल फ्री एंड लाइव स्टॉक बेस्ड एग्रीकल्चर इज कॉल्ड द नेचुरल फार्मिंग। तो इंडिया में देख रहे हो कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इंजेक्शन आ गया है, इंजेक्शन लगा दो और क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, होता है ना लौकी के लिए, सबके लिए देख ही रहे हो, हाँ, मतलब बहुत सारे, बहुत पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं हम लोग, बहुत फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं हम लोग, और उसके चलते ह्यूमन हेल्थ पर
एंड एनवायरमेंट पर एंड सॉइल फर्टिलिटी पर सब पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. एंड द टाइम विल कम जहां पर प्रोडक्शन कम हो जाएगा हमारा. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ट्राइंग टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग. इसके लिए 1 करोड़ फार्मर्स को ट्रेंड किया जा रहा है. पता है नेचुरल फार्मिंग 3 साल लगेगा. किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाना है, जो ऑर्गेनिक फूड आप देखते हैं बहुत महंगा होता है. क्यों होता है? उसका प्रोडक्शन कम होता है और उसके लिए सॉइल को 3 साल प्रिपेयर करना होता है. 3 साल लगते हैं सॉइल से जो न्यूट्रिश जो केमिकल्स है उसको निकालने में. हमारा पूरा बॉडी केमिकल से भर गया हम लोगों का. इतना हम लोग केमिकल खा रहे हैं, हर जगह केमिकल है, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो. और उसके चलते ह्यूमन हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर, सॉइल फर्टिलिटी पर सब पे असर पड़ रहा है ना. सो ये करना होगा. उसके बाद ये सब 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज ये सब एस्टेब्लिश हो रहे हैं जो नेचुरल फार्मिंग को. ये क्या होता है? श्रिम्प प्रोडक्शन. श्रिम्प मतलब क्या होता है? जो नहीं खाते हैं जाके बाहर माउथ वॉश कर लेंगे, कुल्ला कर लेंगे. हाँ बहुत लोग होते हैं प्योर वेजिटेरियन होते हैं और उनको अगर नॉन वेज का नाम दे दो तो उनको वोमिटिंग आ जाती है. अब मैं क्या कर सकता हूँ? झींगा. श्रिम्प मतलब झींगा, सिंपल मछली नहीं. पहले बड़ा गाँव में मिलता था, अब तो बहुत कम मिलता है. बड़ी डिमांड है फॉरन में इसकी. और एक अलग देखो झींगा मछली देखो, देख लेना. छोटे छोटे होते हैं, जो नहीं खाते उनको कीड़ा लगता होगा. मेरे से मत पूछो सर खाते हैं नहीं खाते हैं, राज को राज रहने दो. और अगर जानना है कि सर खाते हैं कि नहीं खाते, थोड़ा सा काम आपका लिए, एक थोड़ा सा होमवर्क है वो कर देना. आप लोग बता दूंगा कि सिलेक्शन ले लो, मुझे खाने पे इन्वाइट करो. बुलाओगे नहीं मुझे, मुझे पता है. लेकिन अगर मेरे फूडिंग हैबिट को जानना है तो सिलेक्शन ले लो, फिर खाने पे इन्वाइट करो और फिर बता दूंगा कि मैं क्या खाऊंगा. पूछोगे सर क्या खाना पसंद करेंगे तो बताऊंगा. एक छोटा सा काम कर लो, जान जाओगे सर आपके क्या खाते हैं, श्रिम्प खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये जान जाएंगे. तो श्रिम्प में बड़ी पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है. हमारे जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, हम लोग क्या है सब चीजों में टॉप 5 में है. चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे एग प्रोडक्शन हो, चाहे मीट प्रोडक्शन हो, चाहे पोटैटो हो, चाहे मैंगो हो, चाहे पपाया हो, चाहे एप्पल हो, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, कुछ भी दे लो, चाहे बफेलो मीट हो. हम लोग बहुत एक्सपोर्टर है बफेलो मीट के, उल्टी मत करना आप लोग. बीफ के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं. इस सब में हम लोग नंबर